अप्लाई करता है क्या? ऐसे वेरी गुड करता हुआ जा रहा था वो, ठीक है, तभी उसको बहुत तेज प्यास लगी, ठीक है, तो वो उड़ते उड़ते एक गार्डन में पहुंचा। वहां पे उसने एक मटका देखा, पॉट देखा एक पानी का, लेकिन जब उसने देखा तो उसमें तो वाटर बहुत कम था, ठीक है, और उसने जब ऐसे पानी पीने के लिए ट्राई किया ऐसे ऐसे, तो उसकी बेक उसमें नहीं जा रही थी क्योंकि पानी तो बहुत नीचे था ना, इसलिए फिर उसको एक आइडिया आया। आइडिया जब आपको भी कोई चीज मम्मा से लेनी होती है आप क्या करते हो? आइडिया कोई यूज करते हो ना, तो क्रो को क्या आया? एक आइडिया। ओके, आप पाइप पे पीते हो। ओके, अभी क्रो देखना कैसे पानी पिएगा, देखो मैम दिखा रहे हैं। तो क्रो ने क्या देखा? पास में पड़े हुए स्टोन, ऐसे छोटे छोटे स्टोन देखे, पेबल्स देखे ना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो ऐसे, ये देखो सी। तो अब क्रो पे कौन सा आइडिया आया, देखो मैम बताएंगे अभी। तो फिर क्रो ने क्या आइडिया लिया कि मैं अगर ये कंकड़ इसमें डालूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पानी पी सकता हूँ फिर, ठीक है। तो उसने वन वन करके ऐसे ऐसे करके ना उसमें स्टोन डालने शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे उसने सारे स्टोन जब पानी में डाल दिए तो पानी ऊपर आ गया, ऐसे कंकड़ डाल डाल के उसमें, फिर पॉट में से पानी उसका ऊपर आ गया, फिर उसने ऐसे पानी पिया और वो हैप्पी हो गया, हैप्पी हो गया, खुश हो गया, और फिर से दोबारा वो फ्लाई करके उड़ गया। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? क्या सीखा हमने इस स्टोरी से, बताइए मैम को क्या सीखा? हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको कुछ नहीं आता, मैम आपको पढ़ाते हैं, आपको कुछ भी लर्न नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं ना उसको सीखने के लिए। तो ऐसे ही क्रो को पानी पीना था, पानी नीचे क्या किया? क्या किया? ट्राई किया ना उसने। तो ऐसे ही जब हमें कुछ नहीं आता तो हमें उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, देयर इज थैंक यू टू मैम को थैंक यू बोलेंगे।